हेलो दोस्तों, स्वागत है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। होप सो भाई, सभी दोस्तों के कबूतर अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। तो भाई दोस्तों, पीछे मैंने सभी दोस्तों को भाई कबूतरों की बीमारी के बारे में बनाई थी एक वीडियो। तो भाई आजकल है ना, कबूतरों में बीमारी वगैरह चली हुई है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ भाइयों के कहीं पे कबूतरों में शौके आ रहे हैं, तो कहीं पे भाई कबूतर टेढ़े मारे हैं, गर्दन घुमाने लग जाते हैं भाई दोस्तों। उसके लिए भी भाई मैंने वीडियो है ना जो डाल रखी है अलग से, फिर भी जो भाई मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई टेढ़े मार गया, तो मैं उनको भी पर्सनली भी बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो भाई एक वीडियो और बना रहा हूँ दोस्तों आज मैं ये। तो भाई कुछ भाइयों के फोन आ रहे हैं लगातार कि भाई पूछते भी हैं कि भाई कबूतर जो बाजी के लिए उड़ाते हैं, जो भाई नए रखते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई बाजी में हम जिन कबूतरों को तैयार करते हैं भाई, उनको क्या दाना पानी खिलाना चाहिए और किस टाइम के हिसाब से खिलाना चाहिए भाई, जिससे कबूतर भाई अच्छी उड़ा दें। पहली तो बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भाई, सिंपल सी। हम जो कबूतर बाजी में उड़ाने के लिए तैयार करते हैं ना, और जो कबूतर हमारे भाई उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, टाइमिंग बढ़ाने लग जाते हैं, तो हम उन कबूतरों को सिंपल सी तरीका जो है हल्का दाना डालने लग जाते हैं। हल्का दाना, कुछ भी दाना डालते हैं ना हम उनको, तो वो भिगो के डालते हैं। आप जिन भाइयों को पता नहीं है उनको बता देता हूं मैं, जो भाई बड़े कबूतरबाज है जो बाजी वगैरह छोड़ते हैं, आप कभी उन भाइयों को देखना जो भाई नए रखते हैं। वो भाई बादाम डालोगे तो भी भिगो कर डालोगे, गेहूं डालेंगे तो भी भिगो कर डालेंगे, दाल डालेंगे तो भी भिगो कर डालेंगे। वो इसीलिए भिगो कर डालते हैं भाई, मैंने भी बताया कि भाई, अब मैं दोबारा सब चीजें रिपीट से बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। इन सब चीजों से भाई कबूतर हड़का हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें कबूतर को अंदर जाकर पचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी चीज 12 घंटे भिगो कर हम डालते हैं कबूतर को, तो कबूतर को वो पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है दाना, वो ऑटोमेटिकली हल्का दाना अंदर जाता है और सुबह तक कबूतर साफ हो जाता है। इस वजह से हम कबूतर को उड़ा पाते हैं सुबह। देखो भाई, अगर आप बादाम डालते हैं कबूतर को, हम उड़ाने का सिंपल सा सेटअप है। हम स्टार्टिंग में उड़ा ली कबूतर की भाई। एक तो पहली बात जो है, जो कबूतर हमने उड़ाना है बाजी के लिए, हम कबूतरों को तैयार करते हैं, हम उनको भाई सिर्फ एक टाइम दाना डालते हैं, ठीक है। सिर्फ शाम को दाना डालेंगे, एक टाइम दाना डालेंगे कबूतरों को। उसका भी भाई पॉइंट होता है एक। देखो, अगर हम कबूतर को सुबह दाना डालेंगे, दाना खिलाकर डालेंगे, तो कबूतर वजन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो नीचे आएगा। या फिर हम कबूतर को उड़ के आने के बाद दाना खिलाएंगे, तो भी भाई कबूतर उड़ार कम करेगा, क्योंकि उसको जब भी ये लगेगा ना कि भाई जब सुबह उड़ा दिया हमने, उसको लगा भाई 10-11 बजे तो दाना खाना तेरे को उतरने के लिए, हो जाता है, आदत हो जाती है जी, किसी भी चीज की आदत बना लो आप, तो वो उस टाइम नीचे आने लग जाएगा कबूतर। तो मेन रीजन एक है ना, शाम को दाना डालने का यही है, कबूतर को भी ये पता रहे भाई, उड़ने वाले को अगर उड़ गया तो भाई तेरे को दाना शाम को ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, बादाम डालते हैं कबूतर को, ठीक है, भिगो कर डालते हैं, सुबह भिगो दिया, शाम को काट के डाल दिए। उसमें गेहूं डालते हैं, गर्मी आ जाती है तब, वो भी सुबह भिगो कर शाम को डाल दिए। जो ब्रीडिंग पेयर है या फिर जो कबूतर नहीं उड़ाने हैं, उनको चने भी डालते हैं, दाल भी डालते हैं, सुबह भिगो कर शाम को डाल दिए, ठीक है भाई। उड़ने वालों का सेटअप बता दिया मैंने आपको। उड़ाने के टाइम दाना भिगो कर डालने का मेन पॉइंट यही होता है, कबूतर में वजन न हो, ठीक है भाई। और कबूतर है ना भाई, बहुत अच्छी उड़ार देगा, क्योंकि कबूतर हल्का हो जाएगा। कुछ सामान वगैरह भी दे देते हैं कबूतर को हल्का करने के लिए, ताकि कबूतर जो है अपनी उड़ार बढ़ाए, और कबूतर जो हल्का होगा तो वही कबूतर अच्छी उड़ार देगा, जिस कबूतर के अंदर कुछ होगा नहीं। यानी पता क्या होता है भाई, हम पंजाबी कबूतर रखते हैं तो कबूतर को खाली करके उड़ाते हैं, खाली करके इसीलिए उड़ाते हैं ताकि कबूतर भाई अच्छा उड़ेगा, वजन नहीं होगा तो कबूतर और बेहतरीन उड़ार देगा भाई। तो भाई दोस्तों, भिग्या हुआ दाना खिलाने का मेन जो बात है यही है, आपने कबूतर को कुछ भी खिलाना, जो कबूतरा बाजी खेल रहे हो तो उसको यही खिलाई, ठीक है भाई। दूसरी बात भाई दोस्तों, जो आप ना नए बच्चों की फुटक लेनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो
पहली दूसरी कली के बच्चे होते हैं, उनकी फटक लेते हैं भाई दोस्तों। तो भाई बच्चों को तो जैसे हैबिट नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको आप सुबह थोड़ा बहुत कुछ खिलाना चाहो तो खिला सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों की है ना उड़ने के बाद आदत बननी बननी सी लगती है। छोटे बच्चे होते हैं, अगर 5-4 घंटे उड़ रहे हैं ठीक है, तो आप उनको 1-2 बादाम उतरने के बाद दे सकते हो, क्योंकि बच्चा ना जो पहली दूसरी के लिए का वो ज्यादा भूख सहन करने में दिक्कत हो जाएगी बच्चे को दोस्तों। ठीक है, बच्चे को तो आप दे सकते हो। और जो बच्चे नए उड़ार पर लगा रहे हैं, उड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो भाई कहते हैं कि डाइट वगैरह क्या दे भाई। देखो दोस्तों, डाइट तो सिंपल सी है, अगर गर्मी में आप अपने कबूतर उड़ाने हैं तो आप कबूतर को अच्छा खिलाओ पिलाओ ठीक है, या तो कबूतर के लिए डाइट बना लो, डाइट की वीडियो भी मैंने बता रखी है सभी दोस्तों को, या तो कबूतरों के लिए डाइट बना लो। अगर आप डाइट नहीं बना रहे तो भाई कबूतरों को गर्मी में अगर आप उड़ार ले रहे हो, बादाम तो भाई दोस्तों खिलाने ही खिलाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, बादाम भाई इतनी गर्मी है, उड़ना कोई आसानी बात नहीं होगी, जान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर भाई आप बादाम नहीं दे रहे हो तो कबूतर भाई कोई नुक्ता लगाने ना 5-6 घंटे उड़ कर आ जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अरे यार आप तो अजमाइशी ज्यादा रही भाई। तो भाई यही तरीका सिंपल सा दोस्तों, ठीक है, आपने खिलाना पिलाना अच्छा पड़ेगा कबूतरों को। सुबह बादाम भयो काटो और शाम को कबूतरों को खिलाओ 4:30-5 बजे के आसपास में, और साथ में अपने कबूतरों को दाल वगैरह भी खिलाओ, उससे विटामिन वगैरह बने रहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, आप खिलाने में ये सिंपल चीजें दे सकते हो, और कुछ देने की जरूरत नहीं है अपने। अगर आप डाइट बनाते हो, डाइट बना के खिलाते हो, तो डाइट की वीडियो अलग से डाल रखी है भाई, आप वो देख सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, तो भाई दो दोस्त भाई वीडियो पर नहीं आते ना भाई, वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई दोस्तों, और आसपास भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो भाई। ठीक है भाई, और भाई कमेंट भी किया करो दोस्तों भाई, और अगर किसी भाई को कुछ पूछ रहे हो तो भाई वो मैसेज कर सकता है, मेरा नंबर रहता है भाई वीडियो पे। ठीक है, अगर किसी भाई को कुछ समझ में नहीं तो वो भाई पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।